खाना खाते हैं, आप फिजिकली फिट रहते हैं, या आप अच्छी नींद लेते हैं, आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं, तो आपको ज्यादा कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ आप वेलनेस के मामले में आप स्ट्रांग हैं। और वेलनेस जो है वो आज से नहीं, हजारों सालों से एक साइंस है जो हमेशा से फॉलो कर रहा है। लेकिन उसके पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज जिसपे हम हमेशा से बात करते आए हैं, हमारी इम्यूनिटी। हमने इम्यूनिटी के ऊपर बहुत सारी प्रोडक्ट्स देखे, हमने 95 देखा कि कैसे एंटीऑक्सिडेंट लेकर आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया। आज इम्यूनिटी के बारे में हम सबको कहीं ना कहीं आइडिया हो चुका है कि हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें इसको खराब कर रही है, इन सब चीजों पर हमने 15 दिन बात किया। लेकिन आज जिस ब्रांड के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, इसमें हमने बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे। अगर हम एलिमेंट्स वेलनेस की बात करें तो हमने अभी कम से कम 10-12 प्रोडक्ट तो हमने इसके देखे हैं। एलिमेंट्स वेलनेस जो है ये खास क्यों है, मार्केट के प्रोडक्ट से ये खास क्यों है? आयुर्वेद को अगर बात करें माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा ब्रांड है जो आयुर्वेद पे बेस्ड है, और आयुर्वेद आज से नहीं 5000 सालों से वेलनेस पे ही काम कर रहा है। लेकिन वेलनेस, एलिमेंट्स वेलनेस एक ऐसा ब्रांड है जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारा ये कॉम्बिनेशन बनाकर, ये इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर लाया गया है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आयुर्वेदा के साथ मिला कि ये वेलनेस, एलिमेंट्स वेलनेस का ये ब्रांड हमारा बनाया गया। आप जो इसका ये लोगो भी देखते हैं ना, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये सर्कल का भी डिजाइन जो है उसका प्राइमरी डिजाइन ऑस्ट्रेलिया में डिजाइन किया गया है। ये सर्कल भी आपको 5 तत्वों को बताता है। कहने का मतलब क्या है, इनके पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत है माय डियर फ्रेंड। अगर सबसे पहले जिनका नाम लेना चाहूंगी मैं, उनका नाम है डॉक्टर DBA अनंत नारायण सर। इनके बारे में बात करूं तो ये एक, इनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 45 इयर्स, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 45 सालों का। शायद कुछ लोगों की उतनी एज भी नहीं होगी जितना सबके पास एक्सपीरियंस है। इन्होंने एक्सपर्ट रह चुके हैं ये फार्मा में, ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट ऑल्सो, आयुर्वेदा के एक्सपर्ट रह चुके हैं। इन्होंने इंडिया की बहुत सारी बड़ी बड़ी FMCG कंपनियों में इन्होंने वर्क किया है। डाबर की बात करें, हिंदुस्तान लिवर में एज ए डायरेक्टर हेड की पोस्ट पे काम किया है, रनबैक्सी जैसी कंपनी में वर्क किया है। और सबसे खास बात क्या है, ही वॉज अ कमिटी मेंबर ऑफ API। API क्या है मैं आपको लास्ट 2-3 मिनट में बताऊंगी। API के कमिटी मेंबर भी रह चुके हैं, बहुत सारी गवर्नमेंटल जो गवर्नमेंट की कमिटीज है उस पर भी रहकर इन्होंने वर्क किया। तो ऐसी पर्सनैलिटी अगर हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ेंगे माय डियर फ्रेंड, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत सारे लोगों की मेहनत है कि इतने कम समय में इस चीज के ऊपर। मैं आपको एक चीज पॉइंट बता दूं, एलिमेंट्स वेलनेस को 2019 के बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला है। ये एक सर्वे किया गया इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के अकॉर्डिंग, जो 2019 का बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड है उसका रिकॉग्निशन एलिमेंट्स वेलनेस को मिला है। सबसे अच्छी चीज क्या है, ये आप ये कह सकते हैं कि ऐसी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक ऐसा मेड इन इंडिया ब्रांड आप कह सकते हैं, जिसको अपने लॉन्च के 4 सालों के अंदर ही ये सर्टिफिकेट, ये रिकॉग्निशन मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इतने कम समय में ये चीज हमें मिल रहा। तो इसके ऊपर एक 30 सेकंड्स का वीडियो है, ये वीडियो जरूर ध्यान से देखिए। In the healthcare segment, be it personal care, sports nutrition, wellness, all a part of good health and more. Many, many congratulations to the team. I'd like to thank you for joining us. ये हमारा वो दिन था जिस दिन एलिमेंट्स वेलनेस को बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का रिकॉग्निशन मिला। आप इस वीडियो में हमारे सारे सीनियर्स को देख सकते हैं। बात करें, ये जो ब्रांड है हमारा, ये आयुर्वेदा पे बेस्ड है। आयुर्वेदा एक बहुत ही एंशियंट साइंस है जो आज से नहीं 5000 सालों से आयुर्वेद जो है वो वेलनेस पे ही काम कर रहा है। आयुर्वेद 2 चीजों को ही बोलता है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को इतना हाई कर लो कि आप बीमारियों से दूर रहे, या अपनी बहुत सारी नेचुरल जो चीजें हैं उसको यूज करके हम किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं, या जो होने वाली प्रॉब्लम्स है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो रोकने की बात हो रही है आयुर्वेदा में, हमेशा प्रिवेंशन की बात होती है, वेलनेस की बात होती है। आयुर्वेद में कहते हैं आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। जैसे
कहते हैं आपके शरीर में 70% वाटर है, आपके जो ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें 70% वाटर है, पानी है। आपके बॉडी में हड्डियां हैं, मसल्स हैं, पूरी पृथ्वी जैसी मजबूत है। आपके खाने को पचाने के लिए एक अग्नि की जरूरत होती है, जिसको हम अगर आयुर्वेदा के लैंग्वेज में बोले तो उसको हम जठराग्नि कहते हैं, लेकिन अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हमारे पेट में जो एसिड होता है वो खाने को पचाने में मदद करता है। कहने का मतलब क्या है, इन्हीं पांच तत्वों से हमारी बॉडी में तीन तरीके के दोषास बनते हैं, जिसको हम वात पित्त कफ कहते हैं। आयुर्वेद का एक सिंपल फॉर्मूला है, ये तीनों दोषास अगर आपकी बॉडी में बैलेंस होंगे प्रॉब्लम नहीं होगी। इनका प्रॉब्लम कब होता है, जब इनका बैलेंस खराब होता है। इसीलिए अगर बात करें हमारा जो ये एलिमेंट्स वेलनेस, जो हमारा ये रेंज है, ये रेंज सच बताऊं माय डियर फ्रेंड ऑल ओवर इंडिया में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मुझे एज अ ट्रेनर देखने को मिलते हैं। मैं बहुत सारी स्टेट्स में जाती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे इसके एक एक प्रोडक्ट के ऊपर बात कर, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट के ऊपर बात किया, लेकिन इसमें से आज जो प्रोडक्ट हम पिक करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जिसको हम कहते हैं विमेन कंपेनियन। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, कंपेनियन का मतलब विमेन का एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा उसके साथ रहे, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करे। आज अगर बात करें, आज इस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में भी हम जाकर बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। लेकिन अगर विमेन के बारे में बात करें तो एक हमेशा एक क्वेश्चन आता है, विमेन के हेल्थ को इतना स्पेशल अटेंशन, लेडीज के हेल्थ को इतना स्पेशल अटेंशन देने की आज जरूरत क्यों है, और इसका कितना बड़ा मार्केट हम क्रिएट कर सकते हैं। या अगर बात करें, क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है, इसका बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास। क्योंकि अगर बात करें तो बोला जाता है इंडिया में 30% जो इंडिया की टोटल आबादी है, आप सबको पता है इंडिया की लगभग 135 करोड़ इंडिया की आबादी, 135 करोड़ इंडिया की आबादी है, और उसमें से लगभग आप कह सकते हैं 35 करोड़ ऐसी लेडीज हैं जो अपने मेंस्ट्रुअल फेज में हैं, मतलब जिनके पीरियड्स आ रहे हैं, जिनकी एज 15 से लेकर 45 के बीच में है। मतलब आप ये कह सकते हैं इंडिया की 30% जो आबादी है, जो लेडीज है, वो अपने मेंस्ट्रुएटिंग फेज में है, जिनके पीरियड्स वगैरह आ रहे हैं। और बोला जाता है बहुत सारी लेडीज, लड़कियां स्कूल जाती है तो पीरियड्स के दौरान बहुत सारी लेडीज लड़कियों को स्कूल मिस करना पड़ता है, बिकॉज उस टाइम पे बहुत सारी जो छोटी स्कूल गोइंग जो गर्ल्स आप कह सकते हैं, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, उनको फीलिंग अच्छी नहीं होती है, पेट में दर्द होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। एक लेडी को घर में सारे काम करने पड़ते हैं, चाहे वो घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, लेडीज को हर एक चीज मैनेज करना पड़ता है। इसलिए स्ट्रेस लेवल भी आजकल बहुत ज्यादा देखा जाता है, बहुत सारी लेडीज जो जॉब पे जा रही है, कभी कभी उनको जॉब भी मिस करना पड़ जाता है, क्योंकि पीरियड्स में, मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारी प्रॉब्लम लेडीज को फेस करना पड़ता है। इसीलिए एक सर्वे किया गया, उसमें क्या देखा गया, 32% जितनी भी लेडीज है जिनके पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें से 32% लेडीज को आज पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज देखे जा रहे हैं, जो ये सब इश्यूज देखे जाते हैं वो लगभग 32% में देखा जा रहा है। और अगर बात करें, अगर ये सारी चीजें नहीं अच्छे से होती हैं, अगर मेंस्ट्रुएशन अच्छे से नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी लेडीज के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो लाइफ के हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जो कॉलेज वाली है उसको कॉलेज में प्रॉब्लम होती है, स्कूल वाली लड़कियां स्कूल मिस करना पड़ जाता है, बहुत सारी लेडीज को बहुत ज्यादा पेन होता है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आज लेडीज में देखी जा रही है। अगर हम इसको समझें कि ये एक्चुअल में होता क्या है, तो कहते हैं लेडीज को एक स्पेशल वरदान है, जिसको कहते हैं एक बच्चे को दुनिया में लाने का एक स्पेशल वरदान एक लेडी के पास है, एक स्पेशल बून है उनके पास। और नॉर्मली ये जो पीरियड स्टार्ट होता है वो लगभग 8 से लेकर 15 साल के एज में, एवरेज एक जो एज देखा गया वो उतने में देखा जाता है। जो लेडीज 45 से 55 के बीच में है, नॉर्मली उनमें मेनोपॉज हो जाता है या पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। एक लेडी के बॉडी में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं, एक हमारा ओवरीज होता है और एक हमारा यूट्रस होता है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं, ये जो चीज है ये यूट्रस है, और यहाँ पे एक ओवरी है और राइट में एक ओवरी है और लेफ्ट में एक ओवरी है। एक ओवरी को यूट्रस से ये जो पाइप है जिसको हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये पाइप उसको जोड़ती है, अटैच करती है। कहते हैं लेडीज का जो 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल देख रहे हैं, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कहते हैं 28 डेज का, लेकिन ये अगर आपका 21 से लेकर 35 के अगर बीच में है तो भी नॉर्मल बोला जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर पीरियड्स आज स्टार्ट हुआ, अगर फर्स्ट डे को स्टार्ट हुआ, तो अगला पीरियड जो स्टार्ट होगा उन दोनों के बीच में जितना गैप है वो आपका ये साइकिल में काउंट होता है। तो कहते हैं लेडीज का अगर पीरियड मान लीजिए 1 तारीख को स्टार्ट हुआ, तो उससे 7 से 8 दिन के बाद जो नेक्स्ट 5 दिन होंगे उसी टाइम पे लेडी कंसीव कर सकती है, वही एक फर्टिलिटी फेज माना जाता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं इसमें, उतना डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, एक छोटा सा वीडियो समझाऊंगी, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से लेडीज में ये जो मेंस्ट्रुअल का साइकिल है, ये जो सारी चीजें होती है। जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो ओवरीज है उससे हर महीने एक एग निकलता है, और ये एग जब फर्टिलाइज हो जाता है और हर महीने ये
अगर एक महीने इससे एग निकला है तो अगले महीने इस ओवरी से एग निकलेगा। उस टाइम पे क्या होता है, ये जो यूट्रस की दीवार होती है वो मोटी हो जाती है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ उसमें होना है। अगर लेडी कंसीव कर लेती है तो ये यूट्रस की दीवार जो है वो शेड नहीं होती, निकलती नहीं है। लेकिन अगर लेडी कंसीव नहीं कर पाती है तो वो जो दीवार होती है वो शेड हो जाती है। जैसा आप इस फोटो में देखेंगे, जैसे ये एग जो है, अंडा जो है, ये फर्टिलाइज होता है, जैसे ये फर्टिलाइज होता है तो लेडी होता है कि लेडी कंसीव करके चांसेस जो है वो बढ़ चुके हैं। लेकिन इसका मतलब अभी भी ये नहीं है कि लेडी ने कंसीव कर लिया है। लेकिन जब ये अंडा आकर यहाँ पे इस यूट्रस की दीवार में आके जम जाता है, इम्प्लांट हो जाता है, उस चीज को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब वो एग जो है वो इम्प्लांट हो चुका है, लेडी जो है उसने कंसीव कर लिया है। अगर कंसीव कर लेती है तो वो पीरियड्स जो होंगे वो नहीं होंगे, अगर नहीं कर पाते हैं तो पीरियड्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा जो साइकिल है इसको हम, ये जो साइकिल अगर वो अच्छे से नहीं होता है तो लेडी में बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जाती है। बात करें इसके कारण क्या देखे गए, एक बहुत बड़ा रीजन देखा गया जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर डाइट। अगर आपका खान पान अच्छा नहीं है, आप ज्यादा बाहर का खा रहे हैं, लेडीज में एक बहुत ही प्रॉब्लम कॉमन देखी जाती है, कहते हैं इंडिया में 60% जो लेडीज है वो एनेमिक है, खून की कमी देखी जाती है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण देखा जाता है, लेडीज को अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो बहुत सारी लेडीज के पीरियड भी डिले हो जाते हैं स्ट्रेस की वजह से। थायराइड का प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखा गया है, कहते हैं जो लेडीज 25 से 30 इयर्स के बीच में है, लगभग 21% लेडीज को आज थायराइड का इश्यू बहुत देखा जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो हमने थाई हेल्थ के ऊपर भी बात किया था कि थाई हेल्थ जो थायराइड होता है, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो वो भी पीरियड्स जो होता है उसके फ्लो को कंट्रोल करता है। और बहुत सारी लेडीज में ज्यादा या तो फ्लो होता है या पीरियड्स बहुत कम आने लगते हैं। और बहुत ज्यादा अगर पेट के पास अगर चर्बी जमी होती है या बहुत ज्यादा ओबेसिटी होता है तो वो भी पीरियड्स को खराब करता है। डायबिटीज हो गया या बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो इसको अफेक्ट करती है। या बहुत ज्यादा बाहर का खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, ज्यादा नमक खा रहे हो, ज्यादा मिठाइयाँ खा रहे हो, ये सब चीजें आपका डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बहुत सारी लेडीज अगर अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशंस है, बहुत सारी लेडीज को यूरिन के इन्फेक्शन देखे जाते हैं। याद रखिएगा, मैंने आपको यूरिफ्लश में भी बताया था, लेडीज में यूरिन के इन्फेक्शन ज्यादा देखे जाते हैं एज कम्पेयर टू जेंट्स। अगर बात करें, अगर हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं की जाती है तो आज बहुत सारी लेडी को बहुत सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं इससे रिलेटेड। लेकिन अगर हम बात करें क्या क्या प्रॉब्लम देखा जाता है, पहला एक प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ साइकिल, मतलब पीरियड्स आ ही नहीं रहे, 2-3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे। दूसरा देखा जाता है इररेगुलर साइकिल, मतलब कभी 2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं तो कभी 20 दिनों में आ रहे, टाइम पे नहीं है। और तीसरा एक बहुत कॉमन जो आजकल देखा जा रहा है उसको हम कहते हैं इररेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब कभी बहुत ज्यादा पीरियड्स आ रहे हैं, कभी बहुत कम आ रहे हैं। जैसा हमने बहुत सारी अभी लेडी से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि महीने में 21 डेज उनको पीरियड्स रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको 10-15 दिन ऐसे भी होता है या 7-8 दिन लगातार पीरियड्स होता है या तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई इश्यू होती है तो लेडीज में बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी लेडीज के अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आते तो बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बेचैनी जैसा होता है, स्ट्रेस का लेवल जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत सारी लेडीज में पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होना बहुत कॉमन चीज हो गई है। बहुत सारी लेडीज इतना ज्यादा पेन होता है कि बेड से नहीं उठ पाती, ऐसे बहुत सारे पेन की प्रॉब्लम देखी जाती है। एक लेडी में बहुत कॉमन एक प्रॉब्लम आजकल देखी जा रही है जिसको हम PMS कहते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, लेडीज को पीरियड्स आने से 2-3 दिन पहले बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, मूड स्विंग्स होना, ऐसी बहुत सारी इश्यूज आज PMS में देखी जा रही है। और आपको बताया सबसे शॉकिंग बात क्या है, इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 60% लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम PMS। लगभग 60% महिलाएं जो है वो PMS से सफर कर रही है, पीरियड्स के 2-3 दिन पहले ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन बात करें मार्केट में इसका सोल्यूशन क्या है, माइंड फ्रेंड, मार्केट में आपको बहुत सारे आपको मेडिसिन मिल जाएंगे, बहुत सारे पेन रिलीवर्स आपको मिलते हैं कि पीरियड्स में बहुत पेन हो रहा है तो आपने ये कैप्सूल या टैबलेट खा लिया तो आपका पेन ठीक हो जाएगा, या बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आते हैं जिसको पीरियड्स डिले करने के लिए लोग लेते हैं। लेकिन जब आप लंबे समय तक ये मेडिसिन खाते हैं, ये आपके हार्मोन से छेड़छाड़ करते हैं। बहुत सारे जो मेडिसिन होते हैं लंबे समय तक खाते हैं तो उसके बॉडी में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट भी आते हैं। इसलिए हमारी कंपनी ने सोचा कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअल में बात करें तो लेडीज में अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे तो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है और बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस भी आगे चलकर बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमारी कंपनी ने सोचा क्यों ना कोई ऐसा नेचुरल तरीका निकाला जाए, हमारे आयुर्वेद को यूज करके एक नेचुरल फॉर्म एक निकाला जाए
तब हमारी कंपनी ने एक बहुत यूनिक प्रोडक्ट निकाला है, और ये जो प्रोडक्ट है इसमें दो तीन चीजें आप जरूर याद करिएगा। पहला, इट्स अ नॉन हार्मोनल बेस्ड फॉर्मूला, मतलब ये आपका प्रोडक्ट जो है वो आपके हार्मोन से कोई छेड़छाड़ नहीं करता, बॉडी के साथ नेचुरली काम करता है। इसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली गई हैं, हम देखेंगे कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं, और स्पेशली लेडीज की जो वो चार दिन जो अच्छे से नहीं बीतते हैं या दर्द होता है, उन सारी चीजों पे ये इन शॉर्ट काम करता है। अभी हम देखते हैं ये काम कैसे करता है। आपको सारी जड़ी बूटियां सारे हर्ब्स रटने की जरूरत नहीं है, हम कुछ बेसिक चीजों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले इसमें लूद्र, मंजिष्ठा और अशोक छाल, ये जो तीन होम जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स हैं, वो क्या करते हैं, लेडीज में अगर पीरियड्स नहीं आ रहे इसका मतलब क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। याद रखिएगा लेडी के बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स का एक गेम हो रहा है, तभी जाकर ये पीरियड्स टाइम पे आते हैं। लेडीज के बॉडी में ओवरी से अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं, आपके प्यूट्रिटरी से अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज बहुत सारे लोग नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के, तो सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। अगर आपके हार्मोन का लेवल बैलेंस नहीं है तो पीरियड्स नहीं आएंगे टाइम। तो ये क्या करता है, आपके हार्मोन के लेवल को ये तीन जड़ी बूटियां बैलेंस करती हैं। दूसरी चीज, अगर पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है तो इसका भी मतलब है कि आपका अच्छे से कुछ बॉडी में प्रॉब्लम है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको ज्यादा पीरियड्स में दर्द हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीरियड्स में दर्द हो रहा है तो उन्हीं चार दिन लेना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पेन है तो आपको लगातार 3 से 4 महीने लेना है। याद रखिएगा पीरियड्स में भी स्टॉप नहीं करना है, किसी भी लेडी को स्टॉप नहीं करना, आप अपने पीरियड्स के टाइम पे भी ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये आपके पीरियड्स को रेगुलेट करता है। पाला, गोक्षुर, नागरमुथा और यष्टी मधु, ये जो तीन जड़ी बूटियां हैं ये क्या करती हैं, ओवरीज और यूट्रस के फंक्शन को अच्छा करती है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया लेडी के बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। ओवरी जो होता है राइट में और लेफ्ट में, 1 महीने में अगर इस ओवरी से एग निकला है तो अगले महीने उस ओवरी से एग निकलेगा, आप कह सकते हैं ऑल्टरनेट करके चीजें निकलती है। यूट्रस जो है वो टाइम पे उसकी जो वॉल है, दीवार है, वो थिकन होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बोन अच्छे से नहीं होगा तो बच्चा इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, आगे चलकर कंसीव करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मतलब ओवरीज का भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए और यूट्रस जो गर्भाशय है, बच्चादानी है, उसका भी हेल्थ अच्छा होना चाहिए। तो ये तीन हर्ब्स क्या करते हैं, यूट्रस और ओवरीज के फंक्शन को अच्छा करते हैं, उसको अच्छा रखने में मदद करते हैं। पुनर्नवा और दारू हरिद्रा, अगर आपको याद होगा हमने डेली डिटॉक्स और भी 2-3 प्रोडक्ट में हमने पुनर्नवा डाला था। पुनर्नवा क्या करता है, बॉडी से जो अनवांटेड चीजें हैं उसको बाहर करने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। और मैंने आपको पहले बताया था मार्केट की दवाइयां एक ही चीज पे काम करती हैं, दर्द है तो दर्द पे ही काम करती है। जब आप आयुर्वेदा को यूज करते हैं, जब आप वुमेन कंपेनियन को यूज करते हैं, तो ये मल्टीपल तरीके से काम करता है। जैसे आप पुनर्नवा और दारू हरिद्रा क्या कर रहे हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा कर रहा है, मतलब आप जो अंदर खाना ले रहे हैं उसको अच्छे से बॉडी यूज कर पा रहा है, सब कुछ ले पा रहा है, आप खाना खा रहे हैं, पच रहा है, बॉडी ले पा रहा है, खराब चीजें बॉडी से बाहर निकल रही है, इन सब चीजों पर ये काम करता है। और ब्राह्मी, संख, पुष्प, अश्वगंधा, ये तीन चीजें अगर आपको याद होगा हमने फाइट स्ट्रेस में भी अश्वगंधा डाला था, प्रोटीन पाउडर में हमने ब्राह्मी डाला था, हमने कुछ प्रोडक्ट में संख पुष्प भी डाला है। ये क्या करता है, आपके दिमाग पे काम करता है। याद रखिएगा लेडीज में अगर पीरियड्स टाइम पे नहीं आते या पीरियड्स रिलेटेड इश्यूज होता है तो बहुत सारी लेडीज को मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन ऐसा देखा जाता है। तो ये क्या करता है, आपके मूड स्विंग्स को अच्छा करता है, आपके दिमाग को रिलैक्स करता है और आपको स्ट्रेस फ्री करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बोला ये हर एक चीज पे टारगेट कर रहा है ये प्रोडक्ट, बस आपके पीरियड्स को ही नहीं, हर एक चीज पे ये टारगेट कर रहा है, क्योंकि जब पीरियड्स नहीं अच्छे आते तो स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। और लास्ट में श्वेत मुसली और शतावरी, आप खाना खा रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, लेकिन आपका बॉडी जब उसमें से आयरन ही नहीं ले पाएगा, तो बॉडी जब आयरन नहीं ले पाएगा तो बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब होने लगती है। तो ये दो हर्ब इसलिए डाले गए हैं क्योंकि 60% लेडीज में अनीमिया की प्रॉब्लम देखी जाती है, खून की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए ये क्या करता है, आप जो खाना ले रहे हो, जो न्यूट्रिशन ले रहे हो, बॉडी उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाता है, ले पाता है। तो आपने देखा इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं ना, वो सब पर्टिकुलरली हमारे पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए, अच्छा हेल्थ रखने के लिए, चीजों को बाहर करने के लिए, दिमाग को शांत करने के लिए, हर चीज पे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम कर रहा है। अब इसको लेना कैसे है, इसके डोजेस पे आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, वो क्या है। सबसे पहले अगर किसी का एब्सेंस ऑफ साइकिल है, मतलब पीरियड्स आ ही नहीं रहे, मतलब 90 दिन क्रॉस हो चुका है, मतलब 2-3 महीने हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो आप विमेन कंपेनियन के साथ, आपको विमेन कंपेनियन कितना लेना है, 1 टेबल स्पून
याद रखिएगा टीस्पून टेबलस्पून में डिफरेंस होता है, टीस्पून छोटा चम्मच, टेबलस्पून बड़ा चम्मच होता है, और वो 15 ml का होता है। तो एक बड़े चम्मच से आपको विमेन कंपेनियन लेना है ब्रेकफास्ट करने के बाद। कवच प्राश आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, कभी भी आपने एक चम्मच कवच प्राश खा लिया, उसके बाद आप 10-15 मिनट के बाद आप अपना इम्यूनोथ्रीप्लस का कैप्सूल्स ले सकते हैं। और जो फीलिंग है ना, फीलिंग को आप एक टाइम लेना है तो दिन में कोई टाइम फिक्स कर दीजिए। वुमेन कंपेनियन इम्यूनोथ्रीप्लस अगर नाश्ता करने के बाद ले रहे हैं, दोपहर में आपने कवच प्राश ले लिया और थोड़ी देर के बाद फीलिंग खा लिया, और रात में डिनर के बाद फिर से आपको वुमेन कंपेनियन और इम्यूनोथ्रीप्लस के एक एक कैप्सूल उसका और एक चम्मच लिक्विड उसका लेना है। इस तरीके से आपको लेना है। इरेगुलर है, टाइम पे नहीं है, कभी 10 दिन में, कभी 20 दिनों में आ रहा है, कभी 2 महीने में आ रहा है। वुमेन कंपेनियन के साथ मल्टी गार्ड ब्लड प्यूरिफायर दिन में 2 बार, और फीलिंग दिन में 1 बार, और कवच प्राश आप कभी भी खा सकते हैं। इरेगुलर क्वांटम ऑफ एक्सक्रीशन, कभी बहुत ज्यादा पीरियड्स हो रहे हैं, कभी बहुत कम पीरियड्स हो रहे हैं, उसमें आपको क्या करना है, सुबह शाम चम्मच आपको विमेन कंपेनियन लेना है, और दिन में आप एक टाइम पे अपना फीलिंग ले सकते हैं। एक बार अगर हीमोग्लोबिन चेक करवा लीजिए, अगर हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो आप 2 भी कैप्सूल्स ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, और 3 महीने तक रेगुलर आपको ये प्रोडक्ट लेना है। अब पेनफुल साइकिल भी देखा जाता है, अब 2 तरीके से पेनफुल देखा जाता है। एक, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा होता है, तब आपको विमेन कंपेनियन के साथ आपको फाइट स्ट्रेस लेना है दिन में 2 बार, ये याद रखिएगा। और अगर आपको बॉडी में पेन रहता है, बहुत ज्यादा फिजिकल पेन रहता है, सिर में दर्द रहता है, पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, या मसल्स बहुत ज्यादा पेन होते हैं पीरियड्स के टाइम पे, तो उस टाइम पे आपको विमेन कंपेनियन के साथ नो पेना कैप्सूल लेना है दिन में 2 बार। तो इस तरीके से आपको पेनफुल में ये दोनों चीजें ऐड करनी है। और जो 60% लेडीज जिनको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, मतलब पीरियड्स आने से 2 दिन पहले जिनको प्रॉब्लम हो रही है कमर में दर्द, पेट में दर्द, उनको विमेन कंपेनियन के साथ नो वेदना कैप्सूल दे सकते हैं। चाहे तो आप साथ में एक फाइट स्ट्रेस या फीलिंग, अगर जरूरत है फीलिंग की तो आप फीलिंग भी दे सकते हैं। मतलब हर एक प्रॉब्लम के लिए आपने देखा डोजेस अलग अलग है, उस हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अब क्या नहीं करना है, सबसे पहले प्रेग्नेंट लेडीज को हमें ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर कोई लेडी ब्रेस्ट फीड करवा रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, याद रखिएगा प्रेगनेंसी में पीरियड स्टॉप हो जाते हैं, और बहुत सारे केसेस में ब्रेस्ट फीडिंग में भी पीरियड स्टॉप हो जाते हैं। तो आपको अगर कोई लेडी बच्चे को दूध पिला रही है, पीरियड्स नहीं आ रहे, आपको उस टाइम पे ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं देना है। जब ब्रेस्ट फीड का फेज खत्म हो जाएगा और तब भी अगर पीरियड्स नॉर्मल नहीं हुए हैं तो आप उस टाइम पे ये दे सकते हैं। और कितने दिन तक देना है, मिनिमम 3 से 4 महीने आप लगातार दीजिए, कॉम्बिनेशन जो है उसके साथ में मिलाकर दीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आता है तो डॉक्टर के पास जाइए। कभी भी किसी को ये बोलकर नहीं देना है कि अच्छा ठीक है बच्चे नहीं हो रहे इसको ले लो ये बच्चे हो जाएंगे, ऐसा बोल के किसी को भी नहीं देना है। अब देखिए इसके पीछे 2 लॉजिक है। सबसे पहले आपको कभी किसी को ऐसा इसलिए नहीं बोलना है, आप उनको ये बोल सकते हैं कि अगर बच्चा होने में प्रॉब्लम हो रहा है इट मींस कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। तो पहले हमारा क्या काम है कि हम नेचुरल तरीके से उसको हम पहले लाइन पे लाएं, उसको अच्छे से रखें। तो ये प्रोडक्ट क्या करेगा, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर रखने में मदद करेगा। जब बॉडी अंदर से हेल्दी हो जाएगी तो ये सारी चीजें नेचुरली होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कभी भी किसी को ये बोलकर नहीं देना है कि बच्चे नहीं हो रहे तो ये बच्चा होने के लिए प्रोडक्ट है। तो प्लीज ऐसा कभी भी किसी को मिस सेल नहीं करना अपना कोई भी प्रोडक्ट, जो है आप उनको फैक्ट बताकर दीजिए। आगे बात करेंगे, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है। क्यों ये प्रोडक्ट बहुत बड़ा मार्केट ला सकता है, वो है इंडिया में 15 से 50 साल के बीच में लगभग 30 करोड़ से ज्यादा लेडीज है, और उसमें से 32% लेडीज को आज ये साइकिल के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम देखा जा रहा है। बहुत सारे लोग जो है वो सोल्यूशन तो लाना चाहते हैं लेकिन इतना अवेयरनेस नहीं है। और अगर बात करें माय फ्रेंड, एक अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं कम एज की भी हैं जिनको पीरियड्स में इशू है लेकिन वो किसी से बात नहीं कर पाती हैं, और उस टाइम पे उनको बहुत सारे इश्यूज देखे जाते हैं। तो और बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, खासकर जब वो यंग रहती हैं तो वो मार्केट से बहुत सारे पेन किलर्स खाती हैं पीरियड्स के दर्द के वजह से। तो ऐसी लेडीज को आप जरूर अवेयर करिए, क्योंकि उस टाइम पे अगर ये ऐसी मेडिसिन खा रही हैं तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा मार्केट ये वुमेन कंपेनियन का हम उधर क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी चीज, 60% लेडीज में पीरियड्स में पेन आने की प्रॉब्लम देखी जाती है, बहुत ज्यादा पेन होता है। कभी कभी कुछ लोगों में तो बहुत ही एक्सक्रुशिएटिंग पेन होता है, इतना ज्यादा कि बेड से नहीं उठ पा रहे, ऐसा पेन हो रहा है। तो आप, ये भी एक बहुत बड़ा मार्केट है।
63% लेडीज में पीएमएस का प्रॉब्लम देखा जा रहा है, और बहुत सारी लेडीज 60% लेडीज में जब सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि इतना पेन है कि उनको बेड रेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर बात करें इस प्रोडक्ट के लिए, लिटरली जो लेडीज है उनके लिए एक मसीहा की जरूरत है, वुमेन कंपेनियन वो काम कर सकता है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अगर उसको सही तरीके से टैप किया जाए, तो बोला जाता है कि 25,000 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर इस प्रोडक्ट का हो सकता है, क्योंकि अब मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है वो ऐसे कॉम्बिनेशन के नहीं है, जो और भी कंटेम्प्रेरी मेडिसिन जो सिस्टम है उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो ये एक बेस्ट सेलर प्रोडक्ट हमारी कंपनी का है, बहुत ज्यादा ये कंपनी का ये प्रोडक्ट बिक रहा है। अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज पे मैं बात करूंगी, कुछ कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना है, वो क्या कंडीशन है। अगर आपके घर में कोई लड़की है जिसकी एज 15 साल हो चुकी है लेकिन पीरियड्स नहीं आए हैं, इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए, उनका टेस्ट करवाइए। 90 डेज हो गए हैं पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 3 महीने का गैप हो चुका है, डॉक्टर के पास जाइए। इररेगुलर रह रहा है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाके एक बार अपना नॉर्मल चेकअप जरूर करवाइए। अगर आपके पीरियड्स का साइकिल 21 डेज से लेकर 35 डेज के, या तो पीरियड्स का साइकिल 30-40 दिनों के बाद 35 डेज के ज्यादा है या 20 दिनों से कम है, तो उसमें प्लीज आप एक बार चेक करवाइए। अगर 21 से 35 दिनों का साइकिल है तो वो नॉर्मल बोला जाता है, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। आपको अगर 7 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, डॉक्टर के पास जाइए। पीरियड्स के 1 महीने के अंदर ही 2 बार ब्लीडिंग हो रही है, 2-3 बार आ रहे हैं, डॉक्टर के पास जाइए। और अगर बात करें बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो एक बार अपना नॉर्मल चेकअप जरूर करवाइए। तो अगर बात करें ये सारी चीजों का हमें ख्याल रखना है माय डियर फ्रेंड, तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है विमेन कंपेनियन स्पेशली लेडीज के लिए बनाया गया, इसलिए हम हमेशा कहती है नारी हो इसकी आभारी। एक ऐसा प्रोडक्ट अगर आप सही तरीके से लेडीज तक पहुंचाएंगे तो एक बहुत अच्छा मार्केट भी रहेगा, और सबसे अच्छी चीज है माइंड पर मार्केट को साइड में करके एक लेडी को उस टाइम पे बहुत ज्यादा मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीजों पर ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब बात करें ये प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से क्यों बेहतर है, या अगर थोड़ा अगर बड़े स्केल पे बात करें हमारे पूरे एलिमेंट्स वेलनेस का जो रेंज है वो मार्केट से क्यों बेहतर है। सबसे पहला, हमारे जो भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एपीआई के रेफरेंस में बनाए जाते हैं। ये एपीआई क्या है, ये एक ऐसी बुक है जिसको जो आयुर्वेदा फार्माकोपी ऑफ इंडिया इसको कहते हैं, एपीआई का फुल फॉर्म होता है, जिसको इंडियन की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो उसको प्रिंट करवाती है और कहती है जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो हमारे इंडिया का जो कानून है, आप सबको पता होगा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बनाया जाता है। बहुत कम कंपनी इसको फॉलो करती है, लेकिन अगर आप देखेंगे हमारे हर एक प्रोडक्ट के पीछे जहाँ पे इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वहां पे API/IHR एप्लीकेबल लिखा होगा, मतलब हमारी कंपनी एपीआई के रेफरेंस में बनाती है। आईएच का मतलब इन हाउस फॉर्मुलेशन, नारायण सर के खुद के कुछ फॉर्मुलेशन है उनके बेसिस पे हमारे सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और एक पॉइंट और इसमें जो मैं हमेशा बताती हूँ, पार्ट ऑफ हर्ब यूज्ड ऑन दिस पैक, हमने जो भी हर्ब्स डाले हैं, जड़ी बूटियां डाली हैं, हम उसका कौन सा पार्ट यूज कर रहे हैं वो भी हमने अपने बॉक्स पे मेंशन किया है। आपको पता है अगर आपको किसी चीज का लीफ डालना है, पत्ता डालना है, आपने पत्ते के बदले आपने रूट्स डाल दिया, जड़ डाल दिया और डब्बे पे कुछ नहीं लिखा है, तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट जैसा काम करना हो वैसा नहीं काम करे। इसलिए हमने ये पहले दिन से ही हमारे हर एक बॉक्स पे, हर एक जड़ी प्रोडक्ट पे हमने ये लिखा है कौन सी जड़ी बूटी का कौन सा भाग। इसका मतलब क्या है माय डियर फ्रेंड, इसको देखने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब एक कानून बना दिया। पहले इट वाज नॉट लीगली रिक्वायर्ड, ये कानून नहीं था कि लिखना जरूरी है, अब लीगली रिक्वायर्ड किया गया है, इसको जरूरी किया गया है कि ये करना जरूरी है। दूसरा एडवांटेज हमारा क्या है, हमारे हर एक बैच की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है। याद रखिएगा, आज जैसे कोई प्रोडक्ट बना उसका हमने एक फिंगरप्रिंट लिया, अलग अलग वेवलेंथ में उसकी फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। अब 5 साल के बाद फिर से उस प्रोडक्ट को बनाया गया, हमने फिर से उसका एक फिंगरप्रिंट लिया और दोनों को मैच किया जाता है। जब तक ये फिंगरप्रिंट आसपास नहीं होते या सेम नहीं होते या सिमिलर नहीं होते, तब तक ये बैच को मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता। इसका मतलब हर एक इंसान का अपना एक फिंगरप्रिंट है, वैसे हर एक जड़ी बूटी का भी अपना एक फिंगरप्रिंट होता है। इसका मतलब क्या है, आज कोई आपने अगर विमेन कंपेनियन यूज किया है, 10 साल के बाद कोई यूज करेंगे तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो टेस्ट है, उसकी जो क्वालिटी है, वो सब पे ध्यान दिया जाता है। और इट्स अ वेरी कॉस्टली प्रोसीजर, ये सारी कंपनीज अफोर्ड नहीं कर सकती है, 10 में से 1 या 2 कंपनी इसको अफोर्ड कर सकती है। तो हमारे हर एक बैच की क्वालिटी फिंगरप्रिंटिंग होती है।
हर एक प्रोडक्ट में हमने नॉवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स डाले. अभी तक हमने एलिमेंट्स के जो भी प्रोडक्ट देखे हैं, आप देखेंगे वो सारे जो कॉम्बिनेशन है ना, वो मार्केट में आपको किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे. हमने हर एक प्रोडक्ट को स्पेशल बनाया है, उसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं जो पर्टिकुलरली उसी प्रॉब्लम पे ही काम करता है. तो हमारे हर एक प्रोडक्ट में आपको नॉवेल कॉम्बिनेशन के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं. और लास्ट में आप सबको पता है हमारी जो कंपनी है एलिमेंट्स वेलनेस की, उसके सारे प्रोडक्ट्स आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं. और ये भी बस आयुष की सर्टिफिकेशन नहीं, आयुष के प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं. इसका मतलब आयुष डिपार्टमेंट जो है वो दो तरीके के सर्टिफिकेट देता है. एक है आयुष का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट एंड अनदर इज आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट. स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, आप इंडिया में कहीं पे भी बेच सकते हैं. वो बहुत सारी कंपनीज को अभी मिल रहा है, बहुत सारी कंपनीज के लिए अप्लाई कर रही है, लेकिन प्रीमियम मिलना बहुत मुश्किल है. एंड वी आर वेरी लकी दैट वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया विच हैज गॉट द सर्टिफिकेट. पहली कंपनी है जिसको ये सर्टिफिकेट अभी तक मिला है, आयुष का प्रीमियम सर्टिफिकेट. और अगर बात करें प्रीमियम का मतलब है आप इंटरनेशनल लेवल पे भी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं. तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि हमें पहले दिन से ही, मतलब अगर बात करें वी आर हैविंग दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पहले दिन से ही आपको ये सर्टिफिकेट मिला है. प्रीमियम का मतलब इंटरनेशनल लेवल पे भी आप प्रमोट कर सकते हैं. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2013 से कह रही है, ये हमारा आर्टिकल है 2013 का, 2013 से कह रही है बाय आयुर्वेदिक ड्रग्स विद आयुष मार्क. जब भी कोई आयुर्वेदिक दवाइयां खरीदे उस पर हमेशा ध्यान दे कि आयुष का सर्टिफिकेशन है. यानी आयुष को हम कह सकते हैं क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिसपे आप लिटरली भरोसा कर. नारायण सर हमेशा एक चीज बोलते हैं, जरूरी नहीं है हर नेचुरल चीज सेफ हो. कोबरा का जहर भी नेचुरल है, ले सकते क्या? नहीं ले सकते. तो हर नेचुरल चीज सेफ नहीं होती, लेकिन जिसपे आयुष प्रीमियम का सर्टिफिकेशन है मतलब क्वालिटी यू कैन ट्रस्ट, जिसपे आप भरोसा कर सकते हैं. बात करें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अभी तक कवर किए हैं हम लोगों ने, ऐसे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है, स्ट्रेस को कम करता है, आपके खून को साफ करता है, आपके ऑर्गन्स को साफ करता है, आपकी हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, बहुत सारी चीजों पे अभी हमने बात किया. अभी हमारा मेडफैट आने वाला है, न्यूट्रीलाइफ आने वाला है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में अभी हम बात करेंगे. जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि और बेल बटन को जरूर क्लिक कर देंगे और ऑल कर देंगे. देखिए आप स्क्रीन पे यहाँ पे ऑल दिख रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कंपनी कोई भी वीडियो अगर अपलोड करेगी तो उसके बारे में आपको पता चलेगा. अब यहाँ पे तीन तरीके के कस्टमर आपको मार्केट में मिलेंगे. इस पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस पे हम इसलिए फोकस करते हैं ताकि कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको. तीन तरीके के कस्टमर मिलेंगे. ए, बी एंड सी. ए बात करें, ऐसे लोग जो अच्छे हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वेलनेस पे ध्यान दे रहे हैं, वो सीरियस हैं, वो समझदार लोग हैं, उनको पता है आगे चल के बीमारी आने वाली है तो प्रिकॉशन लेने के लिए रेडी हैं. बी ऐसे लोग हैं जो बीमार हो चुके हैं, बॉडी में पेन है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हल्की फुल्की प्रॉब्लम दिख रही है. सी में क्रिटिकल पेशेंट, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, कैंसर पोस्टेज. सी इज नॉट आवर कैटेगरी, हमें सी में नहीं जाना है. हमारा जो मार्केट है वो ओनली ए एंड ही है, आपको ए एंड बी पे ही फोकस करना है क्योंकि यही हमारा मार्केट है. अब सर्कल भी देख रहे हैं, ए और बी का सर्कल ज्यादा बड़ा है, सी के बहुत कम लोग हैं जो आज मार्केट में हैं, उनके लिए डॉक्टर हैं, बड़े हॉस्पिटल हैं. आपका मार्केट बस ए एंड बी का ही है. हमारे बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारे ई कॉमर्स साइट पे अवेलेबल है, तो उसको सस्ते रेट्स में लोग उसको वहां पे प्रमोट कर रहे हैं. तो प्लीज आपको कोई भी प्रोडक्ट किसी भी ई कॉमर्स, मतलब अमेजोन फ्लिपकार्ट से ये प्रोडक्ट बाय नहीं करने, कंपनी उसकी कोई गारंटी वारंटी नहीं ले रही है. अगर आप वहां से कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो एट योर ओन रिस्क, क्योंकि आपको पता है जब भी कोई कंपनी अच्छा काम करती है लोग उसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट फेक प्रोडक्ट्स मार्केट में ले आते हैं. आपको जब भी ये प्रोडक्ट बाय करना है हमेशा इंडिया शॉपी के आउटलेट से ही बाय करना है. जिसने भी आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है आप उनसे कांटेक्ट करें, वो आपको पर्टिकुलर जगह बताएंगे जहां से आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं. फर्दर डिटेल्स के लिए indiashopee.com, ये हमारा चैनल है, ये हमारा वेबसाइट है. आप इस पे जाकर अपने नियरेस्ट एरिया में जो भी है आप वहां पे देख सकते हैं, सारे प्रोडक्ट की डिटेल्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे. अब हम एक पोल करने वाले हैं. अभी आपके स्क्रीन पे एक पोल आएगा, इस पोल में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उस क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है. ये हमें आपको बेहतर बनाने में हेल्प करता है. तो अभी जो आपके पोल आएंगे उसमें कुछ क्वेश्चन है. पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि क्या आप एम आई लाइफस्टाइल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आर यू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एम आई लाइफस्टाइल. तो अगर आप हैं तो यस क्लिक करिए, अगर आप नहीं हैं तो नो क्लिक करिए. दूसरा क्वेश्चन है, इज दिस योर फर्स्ट ऑनलाइन जूम ट्रेनिंग, कि आपकी ये पहली ट्रेनिंग है. और एक चीज बता दूं, जो लोग जूम पे कनेक्टेड है वही ये पोल में हमसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे. तो अगर आपकी पहली जूम की ट्रेनिंग है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है.
हाउ मेनी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स यू हैव अटेंडेड इन दिस सीरीज, आपने अभी तक कौन से कितने सीरीज के प्रोडक्ट अभी तक आपने अटेंड किए, कितने प्रोडक्ट सीरीज अभी आज तक आपने अटेंड किए, पहला है 4 से कम या 5 से ज्यादा, आपने अगर 5 से ज्यादा किए हैं तो आप 5 से ज्यादा कर सकते हैं, या 4 से कम किया है तो 4 से आप कम कर सकते हैं, और भी आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप अपने स्क्रीन पे वो देख सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे, आप उसका रिप्लाई कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, अगर आप MLXL के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यस और नो? एक्चुअली ये सारी चीजें हम इसलिए करते हैं माय फ्रेंड, ताकि हम अपनी ट्रेनिंग को और भी अच्छा एनहांस कर सके, हमें पता चलता है कि और भी क्या क्या चीजों के बारे में हमें पता चलता है, आपके सजेशन हमें मिल पाते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, ये आपकी पहली ट्रेनिंग है, येस और नो? अभी तक हमारे साथ कम से कम 1000 लोग जुड़े हैं जूम पे और हजारों लोग हैं यूट्यूब पे, बट ये जो है वो बस जूम वालों के लिए है। तो जो लोग जूम पे कनेक्टेड हैं, आप ओके, तब तक ये आप करते रहिएगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, हमारे जो भी क्वेश्चन रिलेट, अगर आपको इससे कोई क्वेश्चन है विमेन कंपेनियन से रिलेटेड, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो चैट के थ्रू आप मुझसे जो भी क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, और मैं चाहूंगी कि विमेन कंपेनियन से रिलेटेड ही, विमेन कंपेनियन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आप मुझसे पूछें। एज उसके जो भी लेडीज के पीरियड्स की एज हो गई है, मतलब पीरियड्स आ रहे हैं नॉर्मली, जैसा मैंने बताया 8 से लेकर 15 साल के बीच में पीरियड्स आ जाते हैं, अगर 10 साल 12 साल हो गए पीरियड्स नहीं आ रहे तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए। एंडोमेट्रोसिस में बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसमें दे सकते हैं। थाई हेल्थ के साथ भी बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि थायराइड के भी इशू है, याद रखिएगा हमेशा एलिमेंट्स का कोई भी 4 प्रोडक्ट एक साथ ले सकते हैं, बट ऑलवेज कीप अ गैप ऑफ 10 to 15 मिनट्स मिल्क में आप दे सकते हैं। विमेन कंपेनियन का मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो लेडीज का अच्छा फ्रेंड है, कंपेनियन का मतलब दोस्त है, विमेन का मतलब महिलाएं हैं, महिलाओं का एक अच्छा दोस्त बनकर ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। देखिए ओवरीज में सिस्ट है तो मैं ये आपको गारंटी नहीं करूंगी कि उसमें आपको देना है, अगर आप प्रिकॉशन के लिए चाहें तो दे सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, एक बार टेस्ट करवाइए, अगर है तो आप साइक्लोवा के साथ आप दे सकते हैं। वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ये आप ले सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, इसमें एक दो जड़ी बूटियां हैं जो इस पे काम करती हैं, तो आप उस पे दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कितने एज तक देना है, जब तक लेडीज में पीरियड्स आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल चल रहा है, तब तक आप दे सकते हैं। 45 के बाद नॉर्मली मेनोपॉज देखा जाता है, तो उस टाइम पे आपको देने की जरूरत नहीं है, तब तक आप दे सकते हैं। क्वेश्चन एक्चुअली सही से टाइप करिए, क्वेश्चन आया है विद अ पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। PCOD, PCOS के लिए हमारा साइक्लोवा है, साइक्लोवा के साथ आप विमेन कंपेनियन मिलाकर दे सकते हैं। जितनी भी लेडीज अगर पीरियड्स टाइम पे है तो मुझे नहीं लग रहा है कि लेने की जरूरत है, बट अगर आप चाहें तो 2-3 महीने तक आप ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो एक हेल्दी लेडी भी ले सकती है कुछ दिनों के लिए। मिनिमम 3 से 4 महीने जरूर लीजिए, अगर 4 महीने लिया और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक बार डॉक्टर को दिखाइए, एक बार फुल बॉडी चेकअप करवाइए, क्योंकि हो सकता है वो PCOD का सीरियस प्रॉब्लम हो, तो आप उसमें फिर आगे साइक्लोवा वगैरह देख सकते हैं। फाइब्रॉइड्स में मैं ये नहीं बोलूंगी कि फाइब्रॉइड को ठीक कर देगा, बट चाहे तो आप ले सकते हैं, बट सीरियस केसेस में हमें नहीं जाना, ज्यादा फाइब्रॉइड का प्रॉब्लम है तो प्लीज डॉक्टर को दिखाइए। 2 टाइम लेना है, एलिमेंट्स वेलनेस के सारे प्रोडक्ट 2 टाइम लेने हैं, फीलिंग बस इसमें जो मैंने कॉम्बिनेशन में बताया वो 1 टाइम ही लेना है। पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है, आप बिल्कुल लीजिए, इसके बहुत अच्छे ऑप्शन है, तो आपको विमेन कंपेनियन साथ में लेना है, ज्यादा दर्द है तो आप नोवेदना कैप्सूल भी साथ में ले सकते हैं, कवच प्राश भी अपनी डे टू डे लाइफ में आप दे सकते हैं। खाली पेट नहीं लेना है, एलिमेंट्स वेलनेस का 3 ही प्रोडक्ट खाली पेट लेना है, थाई हेल्थ, एंटी एलर्जी, आयुष्वास, बाकी सारा कुछ आपको नाश्ते करने के बाद ही लेना है। देखिए अगर मेनोपॉज हो गया है तो मैं नॉर्मली ये रिकमेंड नहीं करती हूँ, लेकिन अगर कोई मेनोपॉज भी किसी का हो चुका है तो आप प्रिकॉशन के लिए ले सकते हैं, कुछ मूड स्विंग्स वगैरह है तो थोड़े दिन के लिए ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली मेनोपॉज के बाद हम रिकमेंड नहीं करेंगे इसको, तो मेनोपॉज में आप डॉक्टर को एक बार दिखाइए जो भी मूड स्विंग्स है उस पर काम करने के लिए।
इरेगुलर पीरियड्स है फ्रॉम फर्स्ट स्टेज बिल्कुल आप ले सकते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स है तो एक अच्छी लाइफस्टाइल रखिए और अच्छा खान पान रखिए और वुमेन कंपेनियन लीजिए, साथ में पीलिंग वगैरह लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप साइक्लोवा के साथ पीसीओडी का जो हमारा प्रोडक्ट है साइक्लोवा के साथ आप बिल्कुल जब भी दीजिए वुमेन कंपेनियन का कॉम्बिनेशन बनाकर आप दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। वुमेन कंपेनियन मैंने बताया नाश्ते करने के बाद आपको लेना है, सुबह शाम लेना है, खाना खाने के बाद और नाश्ते करने के बाद, और जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसके साथ दे सकते हैं। यस आप ब्लड प्योरीफायर के भी साथ दे सकते हैं। तो आज की ट्रेनिंग हम यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए, और कल इसी टाइम पे मिलेंगे। और कल इवनिंग में ही हमारी ट्रेनिंग होगी 7:30, तो रेडी रहिएगा। थैंक यू सो मच।